वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा क्यूरीज हमारे पास आती हैं या बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टर जो हैं वो हमसे पूछते हैं कि हमने ये जो फ्रेंचाइज ले रहे हैं इसके बीच में हमें मंथली प्रॉफिट कितना होगा। तो मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करना जो है वो ऐसे नहीं किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाने के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती हैं। लाइक उसमें अब जो सबसे पहले जो हमारे जो रेवेन्यू होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक वैल्यूज जो है वो अज्यूम करते हैं कि अगर एक किसी भी ब्रांच के ऊपर 1 मिलियन की सेल हो रही है मंथली अगर 1 मिलियन की सेल हो रही है तो उसके बीच में ऑफकोर्स एक प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, जो भी अब उसने इन्वेंट्री सेल आउट की है, जो प्रोडक्ट सेल आउट की है उसकी एक कॉस्ट होगी। तो वो 3 to 4 lakhs रुपीज़ जो है वो नॉर्मली उसकी कॉस्ट होगी, क्योंकि ऑन एवरेज जो है वो 30 to 40% तक आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी फूड आइटम्स में 30 to 40% तक जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। तो वो 4 लाख रुपये आपका उसमें चला जाएगा, देन जो बाकी 6 लाख है वो डिवाइड होता है आपके प्रॉफिट के बीच में और ऑपरेशनल एक्सपेंस के बीच में आपकी कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, उसके बीच में आपका रेंट आता है, यूटिलिटी बिल्स आते हैं, गैस बिजली या उसके अलावा टेलीफोन इंटरनेट जो भी यूज़ होता है, और उसके बाद आपकी सैलरीज आ जाती हैं। तो ये 3 एक्सपेंसेस उसके बीच में काउंट होते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस के बीच में, ठीक है। उसमें अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो रेंटल वैल्यू है वो कितनी है, आपके पास किस तरह के एरिए में आपने लिया हुआ है, जो रेंट वैल्यू जो है वो कम भी होती है ज़्यादा भी, इसी तरह कॉस्ट ऑफ जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी कम ज़्यादा की वेरी करते हैं आपकी लोकेशन के ऊपर। इसी तरह आपका अगर आउटलेट बड़ी साइज़ की है तो उसमें स्टाफ ज़्यादा रिक्वायर होगा, सैलरी ज़्यादा आएंगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस निकलता है। अब वो ऑपरेशनल एक्सपेंस अगर आपका 5 लाख है तो 6 में से 5 वो चला गया और बाकी आपके पास 1 लाख आपका प्रॉफिट बच गया। अब वो 1 लाख का प्रॉफिट ज़्यादा कैसे हो सकता है, वो ज़्यादा इस तरह से हो सकता है कि जो 5 लाख का एक्सपेंस है वो तो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस ऐसे ही रहना है, तो आपने अपनी सेल को बढ़ाना है। सेल अगर आपकी 15 लाख में जाएगी तो आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो आपकी 6 लाख पर चली जाएगी 40% के हिसाब से, और वो 5 लाख आपका जो है ऑपरेशनल एक्सपेंस रहेगा, तो 6 and 5 11 हो जाएगा, तो 4 लाख का प्रॉफिट आपका निकल आएगा। तो ये सारी वेरिएशन निकलती है, कैलकुलेशंस होती हैं जब आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रेडी होती है। फिजिबिलिटी रेडी करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा उस जगह का रेंट पता होना चाहिए, उसको स्क्वेयर फीट पता होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो स्टाफ है उसकी चेक किया जा सके कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी। जितना साइज रेस्टोरेंट का बड़ा होगा उतनी ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी जगह कम होगी उतनी जो है वो आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो ये कैलकुलेशन की जाती है। तो इस तरह किसी भी ब्रांच का बताना कि किसी भी आउटलेट का या किसी भी ब्रांड का उसका प्रॉफिट के बारे में बताना कि ये मंथली हमें कितना दे देगा, तो वो डिपेंड करता है फिजिबिलिटी के ऊपर। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो कोई भी फूड बिजनेस लेते हैं आप, तो उसके बीच में जो प्रॉफिट रेशियो है वो आजकल पाकिस्तान के बीच में 18 to 22-23% तक चल रही है। नेट जो आपको इनकम जनरेट होती है वो 18 to 22% तक आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मंथली सेल का। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका नहीं होता ये प्रॉफिट उसका होता है जो आपके पास मंथली सेल होती है। मंथली सेल अगर आपके पास 2 मिलियन की हो रही है तो उसका 20% आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास मंथली सेल 10 मिलियन की हो रही है तो उसका 20%, जितनी भी मंथली सेल हो रही है उसका 18 to 22-23% आपका नेट प्रॉफिट जो है वो निकल सकता है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी फूड से रिलेटेड फ्रेंचाइज चाहिए हो तो flippers.pk की टीम को कॉन्टैक्ट करें, और आज ही अपने सिटी में किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइज लॉन्च करें।